Hello cuties, welcome back to my channel Blink Army's Filmy Fan Fiction. और आज मैं आप सबके पास एक न्यू फैन फिक्शन लेकर आई हूँ जिसका नाम है Confusion to Confession Season 2. अगर आपने Confusion to Confession Season 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज जरूर देख लेना. ओके तो चलिए शुरू करते हैं हमारे Confusion to Confession Season 2. इस कहानी की शुरुआत होती है लैन मेंशन से, जहाँ पर हमारा क्यूट लनवांगजी अभी स्टडी कर रहा था. 8 साल का प्यारा सा बच्चा. उसके मम्मी पापा और गगा गए हुए थे उसके नानी के घर. वांगजी की नानी की तबीयत खराब थी तो उसकी मम्मा उसके गगा और डैडी को लेकर चले गए. वांगजी का एग्जाम है इसलिए वो नहीं जा पाया. वो अपने अंकल के साथ घर में ही रह गया. वांगजी के अंकल लैन चिरान एक फेमस बिजनेसमैन है. वांगजी भी ज़्यादातर अपने अंकल के साथ ही होता है और अपने अंकल को फॉलो करने की कोशिश करता है. हमारे वांगजी का रोल मॉडल उसके अंकल ही है, हमेशा उनकी तरह बनने की एक्टिंग करता रहता है. अंकल चिरान थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में वॉशरूम में गए थे. उतने में ही हमारा वांगजी वेइंग को कॉल करता है, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड है पर उससे 1 साल छोटा है. दोनों सेम क्लास में ही हैं और बहुत ही पक्के वाले दोस्त हैं. माय क्यूटीज, ये FF ओमेगा वर्स है. इसमें हमारा लैन वांगजी एक अल्फा और हमारा वेइंग एक ओमेगा है. वांगजी वेइंग से बातें कर रहा था. फिर वेइंग कहता है, मेरी मम्मा केक बना रही है, जैसे ही बन जाएगा मैं आधा तुम्हारे और अंकल के लिए ले आऊँगा, ठीक है? वांगजी भी स्माइल करता है और कहता है, ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ. कॉल डिस्कनेक्ट करके फिर से वांगजी पढ़ाई करने लगता है. अंकल चिरान भी वापस आ गए थे लेकिन उतने में ही डोर बेल बजता है. वांगजी को लगा कि वेइंग आ गया इतनी जल्दी. वांगजी तो दौड़ कर जाता है लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, 16-17 अजीब तरह के ड्रेस पहने हुए लोग, जिन्होंने अपना मुंह भी एकदम कवर करके रखा हुआ था, जिन्होंने अपना फेस भी कवर करके रखा हुआ था काले कपड़े से, वो लोग अंदर घुस आए और आते ही लैन चिरान पर अटैक कर दिया. अंकल चिरान बहुत ही अच्छे से उन लोगों को संभाल तो रहे थे लेकिन इतने सारे वेल ट्रेन्ड लोगों से पंगा लेना बहुत मुश्किल हो रहा था. अंकल चिरान कुंफू में बहुत अच्छे हैं लेकिन ये 16 मिस्टीरियस अटैकर्स भी कुंफू में बहुत ज़्यादा माहिर हैं. अंकल चिरान उन लोगों से नहीं जीत पा रहे थे और आखिर में उनमें से किसी ने अंकल चिरान का हाथ ही तोड़ दिया और फिर दूसरे ने उन्हें शूट करना स्टार्ट किया. एक के बाद एक 6 गोली अंकल चिरान की बॉडी में था. हमारा वांगजी ये सब अपनी आँखों से देख रहा था. उसके आंखों से सिर्फ आंसू गिर रहे थे. वो एकदम स्टिफ खड़ा हो गया था. उसका सबसे प्यारा अंकल, अंकल चिरान इस तरह बेजान पड़े हुए थे फ्लोर पे. इस तरह फ्लोर पर बेजान पड़े हुए थे. वांगजी तो जैसे हिलना ही भूल गया. उनमें से एक अटैकर वांगजी को शूट करने ही वाला था कि उतने में ही दरवाजे पर किसी की चीख सुनाई देती है. हमारा विंग केक लेकर आया था लेकिन ये सब कुछ देखकर उसके हाथों से केक गिर गया. विंग जोर जोर से चिल्लाकर पड़ोसियों को बुलाने लगा. विंग की चीख सुनकर सब लोग वहां आ गए और वो अटैकर्स वहां से भाग गए. लेकिन तब तक अंकल चिरान की डेथ हो चुकी थी और वांगजी बस अपने अंकल की तरफ ही देखे जा रहा था. अब तो उसके आंसू भी सूख गए, मुंह खुला हुआ था. विंग जल्दी से वांगजी के पास आता है और उसे धक्का देने लगता है लेकिन वांगजी हिला भी नहीं. विंग जब जोर से चीख कर कहता है, वांगजी क्या हुआ तुम्हें, लेकिन उतने में ही वांगजी बेहोश होकर जमीन में गिर गया. सारे पड़ोसी जल्दी से एम्बुलेंस बुलाते हैं, वांगजी के पेरेंट्स को खबर करते हैं, पुलिस बुलाते हैं. बहुत ही बड़ा सा हंगामा बन गया. अब 15 साल बाद हमारा वांगजी घुटनों के बल बैठा हुआ था. उसके हाथों में एक डायमंड रिंग था. वो विंग के सामने डायमंड रिंग को लाता है और उसे प्रपोज करता है. विंग भी खुशी खुशी हाँ कर देता है. हमारा वांगजी खुशी से उछल गया और विंग को अपनी बाहों में उठाकर गोल गोल घुमाने लगा. वांगजी के पेरेंट्स, विंग के पेरेंट्स और वहाँ जितने भी लोग थे, सब लोग बहुत खुश थे.
आज विंग का बर्थडे था, इसलिए वांग जी ने विंग को आज ही प्रपोज कर दिया। यहाँ जितने भी लोग थे सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन वांग जी के पेरेंट्स और शी चैन का, ये तीनों डरे हुए थे। हमारा विंग बचपन से लेकर अब तक हमेशा वांग जी के साथ रहा है, नो कंप्लेंट्स नो डिमांड्स, बस प्यार ही करता रहा। वांग जी जब जो चाहे विंग करता है, दोनों साथ रहते हैं, घूमते हैं, स्टडी करते हैं, प्यार करते हैं। और जब भी वांग जी का प्रॉब्लम शुरू होता है, विंग बड़े ही आसानी से उसे संभाल लेता है। लेकिन कब तक? आगे जो कुछ भी होगा, क्या विंग ये सब सह पाएगा? वांग जी विंग को नीचे उतारता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर सब लोग कहते हैं, अब केक भी काट लो। आचिंग सामने आता है और कहता है, विंग अब केक काटना यार, कब तक वेट कराएगा, मुझे भूख लगी है, खाना भी खाना है। विंग मुस्कुराता है और कहता है, तो बिल्कुल शेमलेस है, तो बिल्कुल भुक्कर है, पता नहीं वेंचिंग तेरे साथ रहती क्यों है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। दोनों ही एक दूसरे को फनी फनी फेसेस दिखाकर डराने की कोशिश कर रहे थे और चिढ़ा रहे थे। वांग जी कहता है, अब बहुत हो गया, चलो केक काटो। फिर विंग केक काटता है, सबको खिलाता है और फिर पार्टी का मेन मज़ा यानी असली खाना पीना शुरू होता है। पार्टी में बहुत सारे लोग आए थे, उनमें से कुछ विंग और वांग जी के टीचर्स भी थे। हमारा विंग अपने टीचर से बात कर रहा था, प्रोफेसर मियोशेन, जो कि बहुत बुज़ुर्ग है। वो विंग को कह रहे थे, विंग क्या अब सब कुछ ठीक है? विंग कहता है, हाँ डॉक्टर, वांग जी तो आजकल बहुत नॉर्मल बिहेव करता है और उसे ज़्यादा गुस्सा भी नहीं आता। डॉक्टर कहते हैं, ये तो अच्छी बात है, पर मुझे डर है, हल्का सा भी गुस्सा बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है, खासकर जब तक उसका इलाज और ये मेडिसिन चल रहे हैं, हल्का गुस्सा भी हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। विंग कहता है, डोंट वरी प्रोफेसर, मैं हूँ ना, मैं अपने वांग जी को गुस्सा होने ही नहीं दूंगा। प्रोफेसर कहते हैं, वांग जी का केस तो बहुत ज़्यादा रेयर है, बचपन में मिले ट्रॉमा की वजह से उसका वो दूसरा पर्सनालिटी जो बाहर आ गया था, ये पर्सनालिटी जब भी वांग जी पर हावी होती है, वांग जी अपना होश खो देता है और तुम्हारे अलावा और किसी की बात बिल्कुल नहीं सुनता। हमारा विंग स्माइल करके कहता है, थैंक यू सो मच प्रोफेसर, आपने मेरे कहने पर वांग जी का इलाज करना शुरू किया। प्रोफेसर कहते हैं, ये इतना रेयर केस है कि मैं खुद ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया था। और वांग जी का वो दूसरा पर्सनैलिटी, क्या वो हाल ही में बाहर आया था? विंग कहता है, हाँ आज सुबह ही, जब मैं एक फिल्म देख रहा था, उस फिल्म का हीरो वो अल्फा बहुत ज़्यादा हैंडसम था, तो मैंने गलती से उसे हैंडसम उसके सामने ही बोल दिया। ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसकी वो दूसरी ईविल पर्सनालिटी ईबो बाहर आ गया। उसने मुझे सोफे पर पुश कर दिया और फिर हमारा विंग अपना सर झुका लेता है, उसके आँखों से एक बूंद आंसू निकलता है। विंग आगे कुछ और बोलता उससे पहले ही वांग जी वहाँ आ गया और विंग को रोता देखकर पैनिक करने लगा। क्या हुआ विंग, तुम क्यों रो रहे हो, कहीं चोट लगी है क्या? प्रोफेसर कहते हैं, कुछ नहीं वांग जी, मैंने उसे बस थोड़ा ज़्यादा होमवर्क दे दिया। प्रोफेसर मजाक मत कीजिए, प्लीज़ बताइए ना, क्या हुआ विंग को? विंग कहता है, वो वांग जी, प्रोफेसर कह रहे थे तुम्हें फिर से चेकअप के लिए ले जाना है। वांग जी इरिटेट होकर कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग क्यों नहीं समझते? प्रोफेसर सिचुएशन को संभालते हुए कहता है, वांग जी बस थोड़ा रेगुलर चेकअप है और कुछ नहीं, और इस बार हम तुम्हारी एक मेडिसिन को कम कर देंगे। ये सुनकर तो वांग जी खुश हो गया कि उसे अब एक मेडिसिन कम लेना पड़ेगा। और फिर वांग जी दोनों को ही खींचते हुए ले गया और विंग के प्लेट में एक के बाद एक डिशेस रखने लगा। विंग भी स्माइल करके खाने लगा। विंग सोचता है, मेरा वांग जी कितना इनोसेंट है, कितना प्योर है, कितना प्यारा सा है, और वो उसका दूसरा पर्सनालिटी, और उसका दूसरा पर्सनालिटी वो ईबो, वो कितना ज़्यादा बुरा है।
एकदम क्रिमिनल की तरह। गॉड प्लीज़, वो साइको कभी बाहर नहीं आना चाहिए। मेरा वांगजी हमेशा इतना ही स्वीट और प्यारा होना चाहिए। गॉड प्लीज़, मेरे बर्थडे पे मेरा ये विश मान लीजिए प्लीज़। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप सबको ये फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा। आगे स्टोरी फनी और रोमांटिक होगी, बट ऑफ कोर्स थोड़ा साइकोपैथ तो है, पर आप सबको मज़ा आएगा। तो कमेंट्स में बताना मत भूलना कि मैं ये स्टोरी कंटिन्यू करूँ या नहीं, और पसंद आए तो एक लाइक भी ज़रूर कर देना। ओके, तो अब फाइनली बाय बाय क्यूटीज़। Bye, bye, bye.